नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर डीएसटी व लखनऊ एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही, 5 करोड़ के गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। फर्जी ईवे बिल बनाकर ओडिशा से गांजा तस्करी कर पश्चिमी यूपी एवं राजस्थान में सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को अलवर डीएसटी व लखनऊ एसटीएफ की टीम ने नाकाबंदी में गिरफ्तार कर 98 बोरियों में भरा 5 करोड़ मूल्य का 25 क्विंटल गांजा बरामद किया है। गांजा को छुपाने के लिए ट्रक में ऊपर से 17,000 खाली जूट की बोरियां रखी हुई थी। इसके साथ ही ट्रक को एस्कोर्ट कर रही ब्रेजा कार और आरोपियों से 9 मोबाइल फोन, 17,000 रुपए नगद व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार यादव निवासी जनपद मधुबनी बिहार, प्रमोद सिंह निवासी जनपद मथुरा, अखिलेश शर्मा उर्फ पंडित निवासी जनपद मथुरा, रिंकू सिंह निवासी जनपद गाजियाबाद एवं लाखन सिंह निवासी जनपद गौतम बुद्ध नगर है। पूछताछ में राकेश यादव तथा प्रमोद सिंह ने बताया कि वे काफी समय से गांजा की तस्करी में लिप्त हैं। अखिलेश शर्मा उर्फ पंडित भी इस कार्य में सहयोग करता है। ट्रक का चालक रिंकू सिंह व लाखन सिंह से गांजा मंगा कर जनपद आगरा व मथुरा तथा राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में सप्लाई करता है। एक फेरी का चालक को 1,00,000 रुपए तथा क्लीनर को 25,000 रुपए देते हैं। ओडिशा में गांजा 2500 से 3500 प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, जिसे हम लोग 15-20 हजार रुपए प्रति किलो की दर से बेच देते हैं। इस माल की सप्लाई अलवर में करनी थी। इसमें शुरू उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले थे, श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए थे कि यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम है और जिनसे सूचना मिली है वो भी ऑन रोड है और एक ट्रक और ब्रेजा गाड़ी है जो एनडीपीएस का उसमें माल हो सकता है और उसका पीछा कर रही है। इस कार्रवाई के लिए डीएसटी टीम के को साथ में लेकर और यूपी पुलिस के साथ मिलकर ट्रक को और ब्रेजा गाड़ी को दोनों को पकड़ा है और ये सामोला चौराहे और बोगोर तिराहे के बीच की में इनको पकड़ा है। जिन्होंने भागने का भी प्रयास किया और इसमें ट्रक और ब्रेजा में कुल 98 प्लास्टिक के कट्टों में गांजा मिला है और जिसका वज़न लगभग 2450 किलोग्राम है और कीमत भी 4 से 5 करोड़ मार्केट में बताई जा रही है। और उसके अलावा इसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 लोगों में एक राकेश यादव है बिहार के, प्रमोद सिंह मथुरा के, अखिलेश शर्मा मथुरा के, रिंकू गाजियाबाद के और एक लाखन सिंह गौतम बुद्ध नगर के हैं। और इनके खिलाफ एनडीपीएस की और आईपीसी के सेक्शंस और 3 PDP के सेक्शंस में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।